है जूते की हालत, पूरा पानी निकल रहा है, जूते गीला हो गया पूरा, पैंट पानी में जाने की वजह से। पूरा नदी बना हुआ है यहाँ, हर गली नदी बनी हुई है। भाई स्वागत है आप सभी का। आज हम जा रहे हैं आईफोन एक्स का स्क्रीन चेंज करने, जो हमें कॉल आया हुआ है मतलब डोर स्टेप के लिए। तो चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मैं लेके जाता हूँ डोर स्टेप के रिपेयर के लिए। ये हमारा सेपरेटर है, इसको कहते हैं, इसको भी स्क्रीन मतलब निकालने के लिए होता है, यूज़ गर्म करके, हीट करके। और ये फोल्डर है आईफोन एक्स का, आईफोन टेन का मान। और है मेरे पास जो ये टूल है, जिसमें मैंने ये तो वैसे यूज़ करनी है, ये ब्लू है, वाइट और ब्लैक, और बाकी ये जो टूल वगैरह है ये सब रखे हुए हैं मैंने, जो इम्पोर्टेंस में यूज आएंगे। और ये डस्टिंग क्लॉथ है जो साफ ऑफ करने के लिए, और ये पर रबर बैंड लगाने के बाद रबर बैंड से चिपकाने के लिए मतलब फिक्स करने के लिए। तो चलते हैं, बैग में रखते हैं सारा सामान और फिर चलते हैं। दिखाऊंगा आपको कि कहाँ जाना है। अलीपुर है वैसे, दिल्ली में जो पड़ता है अलीपुर, वहाँ जाना है। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा कि डोर स्टेप मोबाइल सर्विस का ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो शायद वीडियो में थोड़ी बहुत कमी हो जाए तो आप इसे इग्नोर कर दें। और आपका कोई सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। तो देख सकते हैं मैप में कस्टमर का लोकेशन मेरे घर से 49 किलोमीटर दिखा रहा है। तो चलते हैं कस्टमर के यहाँ। ये हमारा मैट है जिस पे हम रख के करते हैं, ये रबर बैंड रबर का होता है, हीट प्रूफ। ये स्प्लेंडर जिससे मैं जाऊंगा, यही करता हूँ ज़्यादातर मैं, जो पापा की है बाइक। फिलहाल मेरे पास कोई बाइक नहीं है, इसी का यूज़ करता हूँ बाइक। तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ रिपेयर करने के लिए कस्टमर के घर पे। तो चलते हैं कालिंदीगुंज, हम कालिंदीगुंज पहुंच गए हैं। चलते हैं यहाँ से, मैप लगाते हैं उसके बाद चलते हैं। उससे पहले कस्टमर को कॉल कर लेते हैं एक बार कि घर पे हैं कि नहीं है। मोबाइल को होल्ड करने के लिए हम ये रबड़ का यूज़ करेंगे जो इसमें टंकी में लगाएंगे यहाँ पे। तो उसमें मैं मोबाइल लगाऊँगा। तो चलते हैं रेड पे कालिंदीगुंज, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब रखी है रास्ते की, ऐसे लोकेशन पा गया हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो देख सकते कितना पानी है अंदर गया हुआ है, देख सकते हैं साइकिल के पानी कितना, बहुत ज़्यादा पानी है। मुझे ये पार करके इधर जाना है, अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया है ये, पहुँच गया लोकेशन पे, ये है लोकेशन। चलते हैं अब स्क्रीन रिपेयर करते हैं। भैया हैं जिनके स्क्रीन चेंज किए हैं, पानी जाने की वजह से पूरा नदी बना हुआ है यहाँ, हर गली नदी बनी हुई है कल बारिश होने की वजह से। चलते हैं अब, मैंने स्क्रीन उनका रिपेयर कर दिया। इंडस्ट्रियल एरिया है दिल्ली का, लास्ट टाइम लास्ट ईयर भी मैं आया था तो ऐसा ही था, और अभी भी ऐसी है। आज कल बारिश होने की वजह से देख सकते हैं कितना पानी भर गया है, गाड़ी का आधा टायर डूब जा रहा है। तो गाइस फाइनली मैं बाहर निकल गया हूँ, ये अलीपुर का बाहर का है। मोस्टली मैंने इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे ही देखा है कि वहाँ पे ऐसे ही होते, देख सकते हैं कितना गीला हो गया हूँ ये पूरा। तो गाइस इस व्लॉग में मेरे से एक गलती हो गई है, मैं कस्टमर के यहाँ पहुँचने के बाद उसके फ़ोन रिपेयरिंग का वीडियो नहीं बना पाया और ना ही रिएक्शन ले पाया। तो गाइस सॉरी इसके लिए। मैं पहुँच गया हूँ करनाल रोड हाईवे भी जो है, ये करनाल रोड का उस हाईवे पे, और ये इधर और उसके सामने ये अलीपुर जहाँ मैं गया था, अभी इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, जो देख सकते थे कि आप पानी भरा हुआ था। तो अब घर जा रहा हूँ, अब मुझे यहाँ से कालिंदीगुंज जाना पड़ेगा, यहाँ से कम 40 किलोमीटर है कालिंदीगुंज। तो चलते हैं अब, और कोई कॉल नहीं मिली मुझे, एक ही कॉल थी आज की। कस्टमर के यहाँ पहुँचने के बाद मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि व्लॉग शूट करना है, ये मेरा पहली बार था। पेट्रोल पूरा
भरा लिया मैंने 320 रुपए का, अब मैं बेफिक्र चला सकता हूँ। तो अब चलते हैं घर। अभी ये मैं कहाँ पे हूँ, संत परमानंद हॉस्पिटल के सामने हूँ। फाइनली गाइस नोएडा के पास पहुँच गए, नोएडा में महामाया के पास है ये। यहाँ से अभी 10-12 किलोमीटर और है गाइस, घर पहुँच गए। जो तो उतार रहा हूँ, पूरा गीला हो चुका है जो पानी में।